सो हेलो भैया, नमस्ते जी। तो स्वागत करते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो भैया अभी हम हैं पटना टू गया रोड बाईपास पे, और उस बाईपास पे कुछ हम नया देखे इसलिए इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। शाम का समय है अभी, और ये बता देते हैं आपको कि अभी हम पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल के बाद मतलब कि बैरिया की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। तो आपको दिखा दें कि ये जो बाईपास है जो टूटा फूटा था, आप मेरे वीडियो में देखे होंगे पटना टू गया वाला ब्लॉग में कि ये बहुत ही टूटा फूटा था, लेकर के मतलब कि पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से लेकर के आपका बैरिया तक बाईपास को तोड़ कर रख दिया गया था, जो कि उसको अभी अभी बना दिया गया है। मतलब इसको मतलब इस साइड वाले बाईपास को कुछ समय पहले बनाया, इस साइड वाले लेन को कुछ समय पहले बनाया था, 4-5 दिन पहले, लेकिन उस लेन को आज ही या फिर कल में इसको बनाया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, बहुत ही शानदार देखने में लग रहा है। और अभी हमें इंडियन ऑयल के पास जो ये पेट्रोल पंप है इसके सामने है। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा से मतलब बहुत ही सुंदर प्रकार से इसको रोड को बनाया है यहाँ से बैरिया तक। तो बैरिया तक तो हम पैदल जाएंगे नहीं, लेकिन आपको बता दें कि ठीक इसी प्रकार से जैसा आप रोड देख रहे हैं गाड़ी बहुत ही अच्छे लेन में चल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ से लेकर के बैरिया तक ठीक इसी तरह से पिच किया है रोड को, और आगे भी पिच किया है, जो कि हम बीर तक का आपको अपडेट दे चुके हैं। 0 माइल से लेकर के बीर तक का आपका अपडेट दे चुके हैं, और हम इस बार क्या करेंगे कल या परसों में बीर से धनरुआ फिर मसौढ़ी इस तरह से आपको अपडेट देंगे कि कैसा रोड बनाया है। तो देख लीजिए कि शानदार देखने में भी आपको रोड लग रहा होगा, जो भी गाड़ी भी चल रहा है वो बहुत ही आराम आराम से चल रहा है, मतलब सबका अपना अपना लेन हो गया है। ये आपका हो गया रोड, ठीक है। तो आप देख लिए कि ये आपका क्या बोलते हैं कि पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से लेकर के और बैरिया तक ठीक ऐसा ही बनाया है, और ये पीछे आपका डंपिंग यार्ड होता है, पटना का डंपिंग यार्ड। तो चलिए अब चलते हैं पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल की ओर, और आपको उधर भी दिखा देते हैं, थोड़ा चेंज उधर भी आया है। एक दो क्या बोलते हैं एक दो पुल जो है मतलब रोड के बीच में जो पुल होता है नाला वाला पुल, उसको बनाया है, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं कि रोड को चौड़ा किया है, बहुत ही ढंग से चौड़ा किया है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये पेट्रोल पंप के सामने का सीन था। और एक बात और आपको बता दें कि बहुत सारे भाई हमसे पूछते हैं कि भाई जहाँ पे तुम वीडियो बनाते हो मतलब कि क्या बोलते हैं पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल या फिर संपत चौक हो गया, बैरिया हो गया, ये सब एरिया में ज़मीन का रेट क्या है। तो भाई साहब, हम कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं नहीं, लेकिन हम अपने हिसाब से मतलब कि जो जहाँ तक हम जानते हैं वहाँ तक आपको बता दें कि ज़मीन का रेट जैसे ही बाईपास से आप दूर जाइएगा उतना ही कम होता है, जैसे ही बाईपास के साइड आइएगा उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब कि अभी पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल के बैक साइड बात करें, मतलब डंपिंग यार्ड की तरफ बात करें, इस साइड देखिए वो आपका पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल हुआ, जाकर के दिखाएंगे। और ये पीछे डंपिंग यार्ड का एरिया है, मतलब इधर जाइएगा तो डंपिंग यार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है, मतलब जहाँ पे पटना का सारा कचरा गिरता है उधर। तो बता दें आपको कि जब आप डंपिंग यार्ड की तरफ जाइएगा, पाटलिपुत्रा से डंपिंग यार्ड की तरफ, तो आपको 70-80 लाख रुपये कट्ठा ज़मीन मिलता है, ठीक है। और इधर का हम नहीं बता सकते हैं, इधर का और हाई रेट होगा, क्योंकि बाईपास नज़दीक हो जा रहा है ना, और डंपिंग यार्ड दूर हो जा रहा है थोड़ा। तो जैसे ही दूर में जाइएगा तो आपको रेट कमेगा, नज़दीक में आइएगा बाईपास के तो रेट ज़्यादा होगा। तो आप अपने हिसाब से आइएगा, प्रॉपर्टी डीलर से बात कीजिएगा और ज़मीन का रेट अपना खुद पता कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम अपने हिसाब से आपको बता दिए कि डंपिंग यार्ड की तरफ ही 60-70 लाख रुपये दे देता है, ठीक है। और देखिए ये सब जो कचरा वाला गाड़ी है वही डंपिंग यार्ड की तरफ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं पटना पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल की। हाँ जी, तो आपको दिखा दें कि ये जो पुल देख रहे हैं आप, ये जो पुल देख रहे हैं इसमें काम लगा हुआ है, लेकिन उस साइड से काम लगा हुआ है, वो जो आप घर देख रहे हैं ना, वो हरा हरा जो आपको घर दिख रहा है वहाँ से काम लगना स्टार्ट हुआ है, और यहाँ तक काम लग गया है, मतलब उस साइड से लग गया है, ठीक है। तो ये कुछ ही दिन में बनकर रेडी हो जाएगा, जब बनकर रेडी होगा तो वो भी आपको दिखा देंगे। और एक ऐसा ही पुल आगे है जो कि आधा कंप्लीट है, और बीच वाला जो मतलब पहले पुराना वाला पुल था उसको तोड़ करके अभी अभी बनाया जा रहा है, और साइड में जो 4 लेन वाला काम है उसको बना दिया गया, मतलब कि 2 पुल रेडी है साइड से, मतलब ये जो मेन लाइन आप देख रहे हैं इसके साइड से 2 पुल रेडी कर दिया है, और जो पहले से पुल था जिस पे गाड़ी चलता था उसको अभी अभी तोड़ा जा रहा है, और कुछ दिन में उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए उसको भी दिखाई देते हैं, और यहाँ से हम लोगों का पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल के पास, और ये आपका पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल है, ठीक है। तो ये आपका गेट नंबर 2 हुआ, जहाँ से बस
इंट्री करता है पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल में लगने के लिए, और वो आगे आपका बस टर्मिनल का गेट नंबर 1 होता है जो कि बस बाहर आता है अपने जगह पे जाने के लिए। ठीक है, तो देखिए कुछ बस अभी निकल भी रहा है, और ये आपका पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल का सीन हुआ बिल्डिंग का, और ये आपका गेट नंबर 1 हुआ जहाँ से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल का बस निकलता है बाहर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सीन, जहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक पुल बनाया जा रहा है और कुछ रोड चौड़ा हुआ है, उस चौड़ा रोड को देख लेंगे। तो चलिए, हाँ जी, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं सीन, ये सीन आपका है पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल के बाद, मतलब 0 माइल की तरफ। ये आप पीछे पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल है आपका, और आगे हम जा रहे हैं मतलब उत्तर के साइड जो हम जा रहे हैं वो 0 माइल है, या फिर पहाड़ी पर बोल सकते हैं। और आप देख लीजिए कि हम ये रोड के अंतिम साइड पे खड़े हैं। ठीक है, और ये आपका उतना चौड़ा रोड बनाया गया है। ठीक है, और कुछ भाई लोग ये भी बोले थे, कमेंट किए थे कि भाई चौड़ा को चौला बोलता है, तो भाई वीडियो बनाते बनाते कुछ गलती हो जाता है, तो इसी तरह आप गलती पकड़ते रहिए। और थैंक यू सो मच जो आप इतना ध्यान से मेरे वीडियो को देखते हैं। देखिए वहाँ तक जहाँ तक ट्रक लगा हुआ है वो आपका लास्ट एंड है इस बाईपास का, मतलब इतना ज़्यादा चौड़ा है आपका रोड। ठीक है, और जो हम जिस पुल के बारे में बात कर रहे थे वो वही पुल है पीछे जहाँ पे जेसीबी लगा हुआ है, वहाँ पे काम चल रहा है पुल का, मतलब कि बीच में रोड बंद है और इस साइड से रोड चालू है और उस साइड से रोड चालू है। जिस साइड से आप देख रहे हैं एक ऑटो जा रहा है उस साइड से रोड चालू है, और बीच में रोड बंद है क्योंकि यहाँ पे पुल का जो काम है वो चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही पुल बन जाएगा ये रोड बिल्कुल चालू हो जाएगा, और आगे आपको हम दिखाई दिए कि बैरिया तक का रोड बना दिया गया है, और बीच में जो क्या बोलते हैं डिवाइडर, वो डिवाइडर अभी नहीं लगा है, तो डिवाइडर भी बना देंगे कुछ दिन में, तो जब बनाएंगे तो हम आपको वीडियो ज़रूर बना कर देंगे। तो चलिए अब आगे आपको थोड़ा सीन भी दिखा देते हैं पुल का। और एक बात और बता दें आपसे कि मेरे पास कम्युनिटी टैब मिल गया है, तो आपसे हम कुछ पूछते हैं कम्युनिटी टैब में, तो प्लीज़ उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, नहीं भाई साहब, आपको कम्युनिटी टैब में भी कुछ सवालों का जवाब देना है ताकि हम आपसे पर्सनली मतलब अटैच हो पाएँ, आपको कैसा वीडियो चाहिए उस प्रकार से हम वीडियो बना पाएँ, तो कम्युनिटी टैब से ही पता चलेगा। तो प्लीज़ कम्युनिटी टैब पर भी रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यही पुल जो आप देख रहे हैं, यही पुल को तोड़कर बनाया जा रहा है, आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, तो ये पुल बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा लगभग जी। तो आप देख लिए कि किस प्रकार से रोड बनाया जा रहा है, किस प्रकार से पुल बनाया जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा, और कम्युनिटी टैब में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, जो भी हम आपसे पूछते हैं प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम उसी प्रकार से वीडियो को बनाएं और आपके पास उस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, तो अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।